नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1:11 और मैं हूँ आपके साथ शिवानी। आपने स्वैग से स्वागत तो सुना होगा, लेकिन स्वैग से सवारी बिल्कुल नहीं सुनी होगी। जी हाँ, एक नया एल्बम लेकर के मयंक कुमार जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने सॉन्ग को लॉन्च भी कर दिया है, जिसका नाम है स्वैग से सवारी। आइए दिखाते हैं कि सॉन्ग की स्क्रीनिंग के टाइम कैसा नजारा रहा, किस तरह से जो सॉन्ग के चाहे वो एक्टर हो या फिर सिंगर, किस तरह से नाचते गाते उन्होंने सॉन्ग को रिलीज किया। सॉन्ग का नाम है स्वैग की सवारी एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। बहुत मेहनत करी इसको बनाने में एंड बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस भी होने लगी थी लास्ट मोमेंट पे, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड देन फाइनली वी मेड इट। बहुत पेपे नंबर है एंड दिस इज आर गिफ्ट फ्रॉम आर साइड टू ऑल दिस पार्टी पीपल हु आर अराउंड आउटसाइड एंड लुकिंग फॉर अ पेपे नंबर। सो दिस इज स्वैग दिस सवारी विद ऑल द स्वैग दैट यू नीड एवरीवेयर। यस, ऑलवेज आई हैव बीन वेरी इंक्लाइन टू दिस पार्टी सॉन्ग्स, पेपी नंबर्स, और जो ये आजकल जो रैप का कल्चर आ गया है बहुत ज़्यादा है, एंड यू लाइक वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अपने पास अच्छी चीज़ें ला रहा है कुछ कुछ। सो ये हमेशा से था। अभी मेरा लास्ट सीरियल एक सीजन ब्रेक हुआ है, मेरे पास टाइम था 6 महीने का, तो द फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में जो आया वो जस्ट यूज़ दिस टाइम, व्हाई नॉट मेक 2-3 म्यूजिक वीडियोज एंड यू नो गिव पीपल समथिंग दैट दे कैन एंजॉय, आई कैन एंजॉय टू। Recording first to the first part was to looking for the to look for a this kind of thing that everybody enjoyed. बहुत सारे songs पे गए, बहुत सारे songs को filter किया, romantic genre, party genre, but then somebody ऐसे ही बैठे थे हम अपने कंपोजर के साथ, somebody came and it was like कि आप इनको ये वाला गाना क्यों नहीं एक चीज सुनाते हो। Then he played the rough version, it was like the music आया स्वैग की सवारी, कसा स्वैग की सवारी आपने आप लोग सुनोगे अभी, देन दैट वॉज वेरी कैची, तो दैट कॉट मी एंड वही सोचा कि ये तो बनाना ही बनाना है। एंड अभी आप जब सुनोगे तो आप समझोगे, रिलेट करोगे कि मैं किस टैगलाइन की बात कर रहा हूँ। यू गाइस विल एंजॉय इट अ लॉट। द होल प्रोसेस वॉज वेरी गुड, एवरीबॉडी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। शूट में थोड़ा एक 10 दिन के आस हमारा कुछ हुआ आगे पीछे, बट एवरीथिंग वॉज गुड एट द एंड, ऑल गुड। हमारा गाना काफ़ी टाइम पहले रेडी था एंड वी एक्चुअली डिसाइडेड डेलिबरेटली टू होल्ड इट फॉर अ व्हाइल सो दैट यू नो वी कैन गिव पीपल समथिंग अराउंड क्रिसमस न्यू ईयर, जो अभी सब पार्टी के मूड में रहते हैं, पीपल आर वाइंडिंग अप यू नो लाइक दे आर गोइंग क्लबिंग एवरी टाइम एंड दिस सॉन्ग व्हाट यू हियर इज मेड फॉर कार्स, क्लब्स, your events and the USP is always Ferrari, which is of course like a Ferrari. While shooting it was actually very hot first of all, jo humne anticipate nahi kiya tha, and when we went to shoot there so it was so cloudy and started raining, so and our song is all based on this, hamara jo concept hai is like Latin concept, all sunlight, bright, everything. So we were like, oh, okay, now we can't shoot this time pe. And then me, Ria, everybody was like, yeah, kya karenge, kaise karenge? But suddenly after 2 hours, we see sun out, all out. And like, we were like, wow, now we can shoot. So that was some, you know, moment of anxiety for us. For the producers, I'm sure they'll tell you later on. So we have Ria here, we yes? would like to try her and join and share her experience about the song, Ria, please. Yeah. So experience working with my young guys at home.
experience was really nice, and this was a really sudden call like 2 days back, and I wasn't sure about it, but then I decided. I had even not heard the song. I just went in the morning at the location and they explained me ki ye hai, ye karna hai, and then it just happened. Yeah, I remember saying ki but song kya hai. Yeah, exactly. I was very unknown to ki kya hone wala hai. Mujhe koi idea nahi tha is baare. So they are TikTok pe bahut active hai. Yeah. Definitely मैं अपना 100% दूंगी और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सोच के रखे हैं सॉन्ग के ऊपर. बट जैसे ही सॉन्ग लॉन्च होगा पूरा, जब हम वीडियो देखेंगे उसके बाद टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट होना चालू हो जाएंगे. अबाउट माई एक्सपीरियंस, दिस वॉज माई सेकेंड म्यूज़िक वीडियो. मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो जो था वो इसके पहले शूट किया हुआ था, बट आई डोंट नो कोइंसिडेंटली वो कल रिलीज़ हो रहा है. तो वो थोड़ा इमोशनल था और ये एकदम पार्टी वाला सॉन्ग था, तो मेरे लिए ये कुछ हटके एक्सपीरियंस था. सॉरी, इन्जॉय मैंने दोनों किया, क्योंकि मैं ये बोल नहीं सकती कि कौन सा बेटर है या क्या है. दोनों बहुत ही अलग टाइप के म्यूज़िक वीडियोज़ है. जो वो है वो बहुत इमोशनल है, सैड है, और ये एकदम पार्टी है, तो दोनों बहुत अच्छे. अब 31st को एंजॉय करेंगे. गौरव, वरुण, गौरव इज हियर. यस, शूट के टाइम बहुत ही मज़ा आया मैंग भाई के साथ, क्योंकि इस गाने में सबसे डिफरेंट मेरे लिए टास्क ये था कि कुछ नया लाना. और मैंग भाई के साथ और राज भाई के साथ हम लोगों ने थॉट सोचा कि मैं बीट बॉक्सर हूँ, तो बीट बॉक्सिंग के साथ मैं रैपिंग करता हूँ. तो फर्स्ट टाइम एल्बम में एक ही बंदा बीट बॉक्स भी कर रहा है और एक ही बंदा रैप कर रहा है, तो इसमें सम काइंड ऑफ नए एलिमेंट्स हैं रैप के और इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स के साथ बीट बॉक्सिंग हम लोगों ने ऐड करी है. तो हमने पैपी नंबर को एक बीट बॉक्सिंग नंबर से अलग ही हट के सोचा कि मैंग भाई के साथ काम. जब हम सोच रहे थे इस गाने को तो उस टाइम एक ही थॉट था कि हट के करना, कुछ अलग करना. तो वही सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैंग भाई ने बोला गौरव यार बीट बॉक्स को कुछ अलग ही तरीके से दिखा दे, तो इस गाने में रैप के साथ बीट बॉक्स. फर्स्ट टाइम इन इंडिया क्योंकि ये सब मैनुअल साउंड है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. तो हम लोगों ने बीट बॉक्स के साथ भी रैप भी जोड़ा है. स्वैग दी सवारी, स्वैग दी सवारी. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हाँ, मामा
It's the wonderful part about this song is that it's so much fun, and it is technically done so well. So fun done with seriousness makes it double fun, because the DOP and the director, the lyrics, the composer, all have done fantastic work, and these two are great finds and great talent, and I wish them the very best. So with this, I would like to call upon Mayank Shekhar. So can we all put our hands together for Mayank? So as we know, Mayank is a heartthrob and been a lead actor on Zoom channel. And उन्होंने एक शो किया था कहीं 2016 में एंड साथ ही साथ वॉज लीडिंग ऑन द शो कॉल्ड रिटर्न ऑफ स्कूल डेज इन 2018. सो मयंक, हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट. सो नाउ ये रिएक्शन इस तरह के वीडियो में आप एकदम छटास लग रहे हैं. तो ये एक बात बताओ, इतने साल एक्टिंग करने के बाद आप सेम कैसे दिख सकते हो, इतने स्मार्ट कैसे दिख सकते हो वीडियो में? एंड अभी जो मेरा लास्ट सीजन था, इट्स नॉट आई थिंक लास्ट सीजन एंडेड इट 6 मंथ अगो. सो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड इज म्यूजिक वीडियो, बिकॉज राइट नाउ आई थिंक इट्स इन. एवरीबॉडी इज इन, आई मीन ऑल द मेन स्ट्रीम एक्टर्स, एवरीबॉडी इज कमिंग इन. सो आई थॉट व्हाई नॉट यूटिलाइज द टाइम. तो करते हैं 6 महीने में जिसके कुछ भी म्यूजिक वीडियो से दो बार उनके सबसे के डांस हो राइट उससे भी. सो फुल एकदम मचाएंगे टाइम में आगे पब्लिक. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो नाउ लेट मी कॉल अपॉन द लीडिंग लेडी ऑफ दिस वंडरफुल सॉन्ग, रिया किशन चंदानी. कैन यू प्लीज हैव योर जॉब. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस रिया टू यू. सो शी इज अ प्रोफेशनल मॉडल एंड शाइन्स द टियारा ऑफ पॉपुलैरिटी विद टिकटॉक फैन फॉलोइंग. तो मैडम की है करीबन 3.4 मिलियन फैंस. वाओ, आई फील सो स्पेशल बीइंग विद यू टुडे. साथ ही साथ शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड शी हैज डन सम ब्रिलियंट वर्क इन पास. सो आई वांट टू नो मैम रिया, सो हाउ वाज योर फीलिंग जब आपने पहली बार ये गाना सुना, कैसा लगा आपको? पसंद आया? यू वर आल्सो डांसिंग लाइक देम. मुझे गाना बहुत 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 अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई होप यू गाइस आल्सो लव दिस सॉन्ग. डू यू गाइस लव इट? आहा, ओके. टिकटॉक वालों की स्पेशलिटी स्पॉन्टेनियस कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ टेल मी वन थिंग, एक हुक स्टेप है अपने गाने का. All right, so I want you and of course Mayank to do the step. Can you do it? Yeah? Can you please turn up the music? तो फिलहाल इतना ही. तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देख रहे हैं न्यूज़ 111. नमस्कार. न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं.